आई एम समरा खालिद। टूडे आवर लेक्चर टॉपिक इज रिलेटेड टू केन्सियन लॉ ऑफ कंजम्पशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज़ केन्सियन लॉ ऑफ कंजम्पशन? केन्सियन लॉ ऑफ कंजम्पशन, आपको पता है कंजम्पशन सिर्फ आपकी आमदनी का वो हिस्सा होता है जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पे खर्च करते हो। कंजम्पशन इज़ द पार्ट ऑफ इनकम विच यूज टू फुलफिल योर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ और यूज टू डेली कंजम्पशन ऑफ लाइफ। ठीक है, कि आप अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो आमदनी का जो हिस्सा खर्च करते हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्व कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कंजम्पशन को सर्व कहते हैं। सो रॉ ऑफ कंजम्पशन, सर्फ दौलत का कानून, वट इज़ फंडामेंटल रॉ ऑफ कंजम्पशन, केन्सियन क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, केन्सियन ने ये स्टूडेंट्स केन्सियन ने ये जो रॉ है, ये फंडामेंटल रॉ ऑफ कंजम्पशन, ये केन्सियन ने डेवलप किया था। और केन्सियन ने ये कहा था कि देर इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, के आमदनी और सर्च के दरमियान में एक तफाली ताल्लुक है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये रॉ क्या कहता है? इस रॉ के कुछ बेसिक पॉइंट हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से अगर पेपर में भी लिखेंगे और इसी तरीके से अगर याद करेंगे तो आई थिंक आपको और कहीं और से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो आप इस पेपर्स को भी इसी तरीके से सॉल्व करें जिस तरीके से मैं स्लाइड्स बना रही हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रॉ का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपकी जो इनकम है, दिस इज़ द फंक्शन रिलेशनशिप, मीन्स कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन आपकी आमदनी का तफाइल है। तो अगर जब आपकी इनकम में इजाफा होता है तो आपकी कंजम्पशन में भी इजाफा होता है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। ठीक है, दिस इज द इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज। बट जो रॉ जिस चीज़ पर फोकस करता है वो दैट इज पॉइंट कि रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, कि कंजम्पशन में इजाफा होता तो है लेकिन इनकम के मुकाबले में, कंपैरेटिवली इनकम आपकी कंजम्पशन में इजाफा कम होता है। वाय? कि वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपकी जो कंजम्पशन, आपकी जो वांट्स हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती जाती हैं। तो आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ता तो है लेकिन उस स्पीड, उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से इनकम में इजाफा होता है। ठीक हो गया, और जब उसने कहा इनकम में इजाफा होता है लेकिन कंजम्पशन में इजाफा होता है लेकिन इनकम के मुकाबले में, आमदनी के मुकाबले में आपकी कंजम्पशन में, आपके सर्फ में कम इजाफा होता है, दैट्स व्हाई जो इसका मतलब रोक इनकम भरी 100 से 200 हुई लेकिन कंजम्पशन उतनी नहीं हुई। कंजम्पशन पहले अगर 50 थी तो वो 100 नहीं है, वो 75 हुई है। तो जो 25 रुपीज़ हैं, दिस इज़ योर सेविंग। इसका मतलब जब ये रॉ ये कहता है कि आपकी इनकम में इजाफे से आपकी कंजम्पशन में उस तरह से इजाफा नहीं होता, दैट्स वाई आपकी सेविंग में इजाफा होता है, कि लोग जो कंजम्पशन, जो इनकम जो बच जाती है, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनकम होती है, जो लोग स्पेंड नहीं करते हैं कंजम्पशन पे, उसको फिर क्या करते हैं? सेव करते हैं। दैट्स वाई इनकम इज इक्वल टू द कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, यहाँ पे वही है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या होता है? लेस देन होता है रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, के सर्फ में जो इजाफा का की शरह है वो आमदनी में इजाफे की शरह से कम होती है। दोनों में इजाफा होता है लेकिन कंजम्पशन में जो इंक्रीज है वो इसके मुकाबले में कम होता है। सो दैट्स वाई इनमें इंक्रीज आता है। जब आपकी इनकम में इंक्रीज आता है तो आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आता है, आपकी सेविंग में भी चेंज आता है। दिस इज डेटा फॉर चेंज, लेकिन आपकी कंजम्पशन में चेंज इस इनकम के चेंज के मुकाबले में कम आता है। सो दिस जिस वजह से आपकी फिर सेविंग में इजाफा होता है। ठीक है, आपको पता है कंजम्पशन इज डिपेंड ऑन इनकम, दैट्स व्हाई कंजम्पशन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद इनकम। इनकम क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आजाद मुतगैर है। कंजम्पशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ताबे मुतगैर है, कि जब इनकम बढ़ती है इस वेरिएबल के इंक्रीज होने से आपके इस वेरिएबल में इजाफा होता है। दैट्स वाई सर्व जो है वो तफाइल है इनकम का और दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहते हैं कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है लेकिन जो इंक्रीजिंग रेट है वो दोनों का क्या है?
डिफरेंट है कि कंजम्पशन में उस तरह से इजाफा नहीं होता जिस तरह से इनकम में इजाफा होता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, इसी वजह से आपका फिर एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस रेंज के दरमियान में रहता है, 0 और 1 के दरमियान में रहता है एमपीसी मोहतिम मिलाने सर। वाई? क्योंकि आपका इन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इनकम, सो दैट्स वाई आपका एमपीसी बीटा, इसे कहते हैं, बीटा भी कहते हैं, एमपीसी भी कहते हैं मोहतिम मिलाने सर, वो सिफर और अकाई के दरमियान में होता है, बिकॉज इट्स लाई बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज द फंडामेंटल रॉ ऑफ कंजम्पशन जो केन्स ने कहा था। और केन्स ने यह कहा था कि जब आपकी आमदनी में इजाफा होता है आपके खर्च में भी इजाफा होता है, लेकिन सर्फ में जो इजाफा है वो आमदनी के मुकाबले में कम होता है। आमदनी क्या होती है, इनकम क्या होती है, जो वो अमाउंट जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को फुलफिल करके अर्न करते हैं, दिस इज योर इनकम। कंजम्पशन क्या है, वो अमाउंट इनकम की जो आप अपनी डेली बेसिस की नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए स्पेंड करते हैं, वो आपकी कंजम्पशन है। और सेविंग क्या है, कंजम्पशन करने के बाद इनकम की वो अमाउंट जो बच जाती है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनकम आफ्टर स्पेंड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनकम इज कॉल्ड सेविंग। ठीक है, इनकम का फर्स्ट पार्ट आप पहले कंजम्पशन पे करते हैं और जो उसके बाद बच जाता है वो आप क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। Now, what is marginal propensity to consume? MPC, the rate of change in consumption, this delta is change due to change in income. कि आपकी income में change की वजह से आपकी consumption में कितना change आया। अब ये law जो है, fundamental law of consumption, which is developed by Keynesian, अब उसकी किस चीज़ पर बेस्ड था ये रॉ, इसकी अजम्पशंस क्या थी। उसने कहा एपीसी आपका कांस्टेंट रहता है, लोगों की जो आपके कम्युनिटी है, सोसाइटी की, उसकी फैशन में, उसके जो है उसके साइकोलॉजिकल जो हैबिट्स हैं, उसकी जो फैशंस हैं, उसकी आमदनी, लोगों की इनकम में, जो लोगों की आबादी में, किसी प्राइसेस में, किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आता, एवरीथिंग इज रिमेन कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई आपका एपीसी कांस्टेंट रहता है। एक बार याद रखिएगा, केन्स जो था वो फेवर करता था शॉर्ट रन की, वो कहता था आप जो भी मॉडल बनाए अपनी इकोनॉमी को शॉर्ट रन पे प्ले करें, बिकॉज लॉन्ग रन के मॉडल्स, लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट का कुछ पता नहीं होता, लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज लॉन्ग रन आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 10 to 15 ईयर की, तो इस दौरान में आपके बहुत से पॉलिटिकली चेंजेस आती हैं, इकोनॉमिकली चेंजेस आती हैं, वेदर चेंज आते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, उसका बेनिफिट लोगों तक वो जो है वो शिफ्ट नहीं हो पाता, सो इसलिए आप शॉर्ट टर्म में प्ले करें। इसलिए जो केन्स था वो अरसे करियर का हामी था, वो कहता था इन द लॉन्ग रन वी आर डेट, कि लॉन्ग रन में जब तक आपको कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आप तो रहेंगे नहीं, फिर तो वो आपकी अगली जनरेशन उसका फायदा उठाएगी, सो यू प्ले, यू शुड बी प्ले इन शॉर्ट रन। और इसके अलावा वो कहता था इस ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसकी बेस जो उसने किस पर रखी थी, सरमायादाराना निज़ाम पर रखी थी, कैपिटलिस्ट मॉडल पर रखी थी, वो कहता था गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा वो इंपॉर्टेंस देता था इन्वेस्टमेंट पर, व्हाई, जब आप देखें आपका इनकम में इजाफा हुआ लेकिन आपकी कंजम्पशन में इजाफा कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी सेविंग में इजाफा हुआ, और जब सेविंग में इजाफा हुआ लोगों ने बैंक्स में अपनी सेविंग रखवाई या फिर उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। सेविंग जिस मुल्क में ज़्यादा होती है तो इस मीन उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट का रुझान ज़्यादा है, लोग अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कि जहां से उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है, सो दैट्स वाई ये कानून जो है, ये रॉ जो है वो इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी को बहुत अहमियत देता है। वो कहते हैं कि लोगों की जो बची हुई रकम होती है वो बचत करते हैं और फिर उस सेविंग को वो इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। एक और बात, ये कानून जो है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, किस चीज़ पे जोर देता है, ओवर प्रोडक्शन पर, कि आपकी मईशत में इकोनॉमी हमेशा फेस करती है बेश पैदावारी, इसको कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज जब कंजम्पशन कम हो रही है तो इसका मतलब लोगों की डिमांड कम है, जब लोगों की डिमांड कम है तो इसका मतलब जो मार्केट में चीज़ें हैं वो बची रह जाएंगी, पीछे जिससे जो सप्लाई आ रही है लोग डिमांड नहीं कर रहे, बिकॉज वक्त के साथ उनकी कंजम्पशन लेवल कम होता जा रहा है, तो जब डिमांड नहीं है तो इसका मतलब लोगों की सप्लाई मार्केट में सेल नहीं हो रही है, जब सेल नहीं हो रही है तो डिमांड और सप्लाई में तरब और रसद में गैप आ रहा है, तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, ओवर प्रोडक्शन। तो ये कहते हैं कि आपकी मईशत को ओवर प्रोडक्शन का सामना भी करना पड़ता है ड्यू टू दिस रॉ। ठीक है, उसके अलावा इसे फोकस किया मल्टीप्लाई और एसीडेटर, मल्टीप्लाई को जारिब कहते हैं, एसीडेटर को इसरा कहते हैं। एक मईशत में हमेशा जारिब और इसरा दोनों
एट अ टाइम मूवमेंट करते रहते हैं। ये जो फार्मूला आपके सामने, दिस इज द फार्मूला ऑफ ज़ार, ये मल्टीप्लाई का ज़ार फार्मूला है कि जब आप अपने 1/1 माइनस एमपीसी, अपनी एमपीसी को डिवाइड कर देते हैं 1 पे, तो ये ज़ारिब का फार्मूला, के ज़ारिब को कहते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई व्हाट इज मीन बाय मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये होता है कि जब सरमायाकारी में इंक्रीज से आपकी जब फर्दर आपकी इनकम में इंक्रीज आता है, दिस इज मल्टीप्लाई। कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है ना, अब आगे एक और कर लें कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इसका मतलब लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हुई, एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब लोगों की इनकम में इजाफा हुआ। कि जब सरमायाकारी की वजह से आपकी इनकम में इजाफा होता है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक हो गया, दिस इज मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर का फार्मूला है। इसके अलावा ये जो कानून है ये फोकस करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। ठीक है, अब क्या है? वो एक तरफ कह रहा है कि ठीक है लोग सेविंग करते हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो कहता है एक स्टेज एक पॉइंट ऐसा आता है कि ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, लोगों का प्रॉफिट मार्जिन रुक जाता है, कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई में गैप आ रहा है, तलब और रसद में गैप आ रहा है, इस वजह से लोगों ने सरमायाकारी रोक दी, चीज़ें बनाना रोक दी, सप्लाई रुक के जब इन्वेस्टमेंट कम हुई इसका मतलब लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, दैट्स वाई आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसे कहते हैं सरमाया की इस्तेदाद मोहतदीम, ये जो वर्ड है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सरमाया की इस्तेदाद मोहतदीम ये कम होना शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। वाई? बिकॉज ड्यू टू ओवर प्रोटेक्शन, मार्केट में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तरब और रसद में एक खड़ा आया हुआ है, लोग इतनी ज़्यादा तरब नहीं कर रहे लेकिन मार्केट में रसद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पीछे इन्वेस्टमेंट खत्म होना शुरू हो गई। देखिए बच्चों, इकोनॉमी में एक चीज़ नहीं है कि बस अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो इसमें फॉलिंग नहीं आएगा, दूसरी तरफ और फैक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से इस इन्वेस्टमेंट में फॉल भी आता है, और वो फैक्टर क्या है, वो ओवर प्रोडक्शन का फैक्टर आ जाता है, वो डिफरेंट आपके इसको तजारती चक्कर जो है केन्स वो बहुत फोकस करता है बिजनेस साइकिल पे, कि आपके कंट्री में बिजनेस साइकिल जो है वो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड आता रहता है, लेकिन ये जो रॉ है वो यही कहता है कि जब आपकी इनकम में इजाफा होता है तो उसकी वजह से जो कंजम्पशन में इजाफा होता है उसका रेट कम होता है, तो इससे और ये कहते हैं जिसकी वजह से आपका एमपीसी 0 और 1 के दरमियान में रहते हैं, और जब आपके कंजम्पशन में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होता जिसकी वजह से आपकी सेविंग में इजाफा होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस जो गैप की वजह से कंजम्पशन में इजाफा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाता है, मुल्क में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है आपकी कंट्री में, और यही ओवर प्रोडक्शन फिर आपकी लोगों के प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है, आपका डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ जाता है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में, और ये फोकस करता है मल्टीप्लायर पे और एसीडेटर पे। और एक बार याद रखिएगा केन्स का जो कानून है होता है वो शॉर्ट टर्म मॉडल्स होते हैं, वो कहते हैं कि आप अरसा करियर के मॉडल बनाएं, अरसा करियर के प्रोजेक्ट बनाएं, दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजम्पशन। इंशाल्लाह हमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको केन्स के एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कंजम्पशन इनकम के बारे में बताएंगे कि एब्सोल्यूट लॉ ऑफ इनकम क्या है, जो इसी का ही फर्दर पार्ट है, लेकिन इंशाल्लाह वो हम आपको आने वाले लेक्चर में ज़रूर बताएंगे। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन डिवेलप्ड बाय केन्सियन। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।